आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। बैठक करीब एक घंटे तक चली, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है और उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। आपके प्रदेश संयोजक गोपाल रॉय ने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह बैठक चुनावी तैयारियों को लेकर आयोजित की गई थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सुबह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी की बैठक हुई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया। जिन 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। पहली सीट छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से ब्रह्म सिंह तंवर जी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चयनित किया है, जो छतरपुर विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे राम सिंह नेताजी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो एमसीडी में नेता सदन रहे, काउंसलर रहे। घोंडा विधानसभा क्षेत्र में गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरव शर्मा की पत्नी वर्तमान में वहां काउंसलर हैं और गौरव शर्मा लगातार सामाजिक और सांगठनिक कामों में सक्रिय रहे। सीमापुरी से पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान जी को आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया गया, जो वहां पर कई बार विधायक रहे। विश्वास नगर से दीपक सिंगला को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जो पिछली बार भी हमारे उम्मीदवार थे और वहां पर लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी जनता के साथ मिलकर सक्रिय रहे। करावर नगर विधानसभा से मनोज त्यागी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मनोज त्यागी वहां से पार्षद रहे और पार्टी की तरफ से सदन में नेता विपक्ष रहे। इनके साथ साथ 3 सीटों पर जहां हमारे वर्तमान विधायक हैं वहां पर कैंडिडेट घोषित किया गया है, जिसमें सीलमपुर विधानसभा जहां से जुबेर चौधरी जो पूर्व पार्षद हैं और कई बार सीलमपुर से विधायक रहे मतीन अहमद साहब के बेटे हैं। किराड़ी से अनिल झा को कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है, अनिल झा पूर्व विधायक हैं वहां से। मटियाला से सोमेश शौकीन को कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है, जो वो भी वहां पर विधायक रहे हैं, उनके पास भी वहां पर ग्राउंड पे काम करने का अनुभव है।
इस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों के साथ दिल्ली के अंदर पहली लिस्ट जारी करके अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।